हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज मयंक। सो गाइस, नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों में हम सब कार शॉपिंग करते हैं, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे नई गाड़ी लेने का। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बना देता हूँ कि 6 लाख में ऑन रोड, एक्सशोरूम की बात नहीं कर रहा, ऑन रोड आपको कौन कौन सी गाड़ियाँ मिल जाएंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाली हैं। एक्चुअली जितनी भी अभी लेटेस्ट लॉन्चेस हुई है ना कार की, उनके प्राइसेस को देखते हुए तो भाई ऐसा लगता है कि भाई 6 लाख ऑन रोड में तो कुछ नहीं मिलने वाला, 7-8 लाख तक बजट एक्सटेंड करना पड़ेगा। पर काफ़ी ढूंढ डांड के ना 3 गाड़ियाँ मैं आपके लिए ऐसी लेके आया हूँ जो भाई बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी होने वाली है, और आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप ना किसी एंट्री लेवल सेगमेंट कार परचेज कर रहे हो। एक्चुअली ये जो गाड़ियाँ हैं ना, ये सारी एक सेगमेंट ऊपर होने वाली है, और साथ साथ ना इन तीनों गाड़ियों के अंदर आपको 1200cc का इंजन मिल जाएगा। सो भाई काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका अगर आप ये तीन गाड़ियों में से कोई भी एक कार परचेज करते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई सबसे फर्स्ट कार से, तो वो रहने वाली है अपनी ग्रैंड आइटन नियोस का एरा वेरिएंट, जो उसका बेस वेरिएंट है। इसकी एक्सशोरूम प्राइस है 5,43,000 रुपीज़। सबसे पहले डिस्काउंट्स की बात कर लेते हैं। फिलहाल इसके अंदर 10,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट चल रहा है, साथ साथ 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस चल रहा है, और 3,000 रुपये का आपको कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये तो हो गए ऑफिशियल फिगर्स। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कार में पॉजिटिव्स क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव जो इस गाड़ी का है ना, वो इसके अंदर आपको मिलता है 1200cc का 4 सिलेंडर इंजन, जो भाई काफ़ी रिफाइंड है। यूजुअली हमें सेगमेंट में वही गाड़ियाँ मिलती हैं जैसे 1000cc के 3 सिलेंडर इंजन, जिनकी रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी नहीं होती। सो भाई इस गाड़ी की रिफाइनमेंट ना काफ़ी अच्छी रहने वाली है। साथ साथ जो इसका डैशबोर्ड का लेआउट है, कार के इंटीरियर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। हुंडई के इंटीरियर्स हमेशा से काफ़ी अच्छे रहे हैं। अपनी आइटन नियोस का भी इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जो फिट एंड फिनिश है गाड़ी की, वो काफ़ी अच्छी है। एसी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, बहुत जल्दी पूरे केबिन को ईजिली कूल कर देता है। क्लच काफ़ी लाइट है गाड़ी की, गियर शिफ्ट्स काफ़ी स्मूथ है। इसके अंदर आपको 2 गियरबॉक्स मिलते हैं, एक आपका 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स और सेकेंडली आपका AMT गियरबॉक्स। AMT यूनिट भाई हुंडई की काफ़ी अच्छी ट्यून्ड है एज़ कम्पेयर टू टाटा या मारुति। उनके गियरबॉक्स में जो जॉक्स है ना, वो भाई काफ़ी कम है, तो उनकी जो ट्यूनिंग है वो काफ़ी अच्छी कर रखी है। तो अगर आप AMT कार परचेस करने का सोच रहे हो ना, तो आप आई10 नियोस के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। सेकेंड पॉजिटिव की बात करूँ तो यार, इसके अंदर आपको ना RPM मीटर भी मिल जाता है स्पीडोमीटर के साथ साथ। डुअल एनालॉग मीटर्स मिलते हैं इसमें आपको विद MID, जो आपकी सारी डिस्प्ले आपको कर देगा, जैसे रेंज कितनी बच रही है या फिर आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सब कुछ आपको डिस्प्ले करेगा। यूजुअली हमें सेगमेंट में ना सिर्फ एक RPM स्पीडोमीटर मिलता है, RPM मीटर यूजुअली कंपनी स्किप करती है, पर इसके अंदर आपको दोनों मीटर्स दिए गए हैं, सो बहुत अच्छी बात है ये। उसके बाद इसके ना अंदर जो क्लच है ना, वो काफ़ी लाइट है, गियर शिफ्ट्स काफ़ी स्मूथ है, कैबिन की स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छी है। एक्सटीरियर्स की बात करूँ, 14 इंचेस के आपको स्टील रिम्स मिलते हैं, जो टायर साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है। नेगेटिव्स की बात करूँ सो यार, थोड़ा सा आपको फील होगा एक्सटीरियर्स को देखिए कि बेस वेरिएंट है, क्योंकि इसके अंदर ना जो ORVMs है ना, वो पेंटेड नहीं मिलेंगे आपको, और ना ही आपके आउटसाइड डोर हैंडल्स पेंटेड है, वो आपको ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। सो वहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ ये बेस वेरिएंट है इसका। इंडिकेटर्स भी आपके फेंडर माउंटेड रहेंगे। उसके बाद सेकंड नेगेटिव की बात करूँ तो जो आपका स्टेयरिंग व्हील है ना, वो भाई आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, वो बिल्कुल फिक्स रहने वाला है। सो एक ये दूसरा नेगेटिव है। बाकी आगे इसके अंदर आपको पावर विंडोज़ मिल जाएंगे, पीछे आपका वही मैनुअल विंडोज़ मिलेंगे आपको। आप इसके अंदर आपको कोई भी ऑडियो सिस्टम वगैरह नहीं मिलेगा, ना ही कोई स्पीकर्स मिलेंगे, और इस सेगमेंट में अंदर वो एक्सपेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है भाई। काफ़ी बहुत कम कार्स ही हैं ऐसी एंट्री लेवल सेगमेंट की जो आपको यहाँ पे ना आपका ऑडियो सिस्टम वगैरह देती हैं। सो गाइस, ये तो ओवरऑल बात हो गई अपनी ग्रैनाइट एंड नियोस की, कि इसके अंदर आपको क्या क्या डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स। ये तो ऑफिशियल डिस्काउंट था, बाकी अगर आप भाई अपने एंड पे थोड़ा सा और नेगोशिएट करोगे ना, हो सकता है और अच्छी डील क्रैक कर पाओ अपने डीलर से। अब बात कर लेते हैं अपनी सेकंड कार की। सो अपनी सेकंड गाड़ी रहने वाली है टाटा की टियागो, इसका XE वेरिएंट, जो इसका बेस वेरिएंट है। अब टियागो के अंदर क्या क्या पॉजिटिव्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सशोरूम बताया था आपको, 5,40,000 रुपीज़ का एक्सशोरूम रहने वाला है। डिस्काउंट भाई, एक तो ऑलरेडी गाड़ी वेटिंग पे है, तो भाई डिस्काउंट इतने ज़्यादा अच्छे खासे नहीं है। 10,000 रुपीज़ का आपको एक्सचेंज बोनस मिलेगा, प्लस 3,000 रुपीज़ का कॉर्पोरेट डिस्काउंट है। इसके अलावा कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा गाड़ी के ऊपर। बाकी भाई डीलर एंड पे शायद आप नेगोशिएट करो तो कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाए, अवेलेबिलिटी मतलब कार के अवेलेबिलिटी के हिसाब से। पॉजिटिव्स की बात करूँ तो भाई इसके अंदर आपको मिलता है 1200cc का 3 सिलेंडर इंजन, तो इसकी पावर भी काफ़ी अच्छी है, माइलेज भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। सेकंड पॉजिटिव की बात करूँ तो भाई बिल्ड क्वालिटी, सबको पता है 4-स्टार रेटेड गाड़ी है, तो भाई बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। आपको अंदर थर्ड साउंड मिलता है, काफ़ी आपको सेफ लगता है। गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, सस्पेंशन सेटअप काफ़ी मैच्योर है भाई, बिल्कुल भी आपको हाईवे पे ना ऐसा फील नहीं होगा कि भाई गाड़ी ना वॉबल हो रही है, कुछ हो रहा है, बिल्कुल चिपक के चलती है गाड़ी रोड पे। हैंडलिंग आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी गाड़ी की। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है हाईवे पे। ABS, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे बेस वेरिएंट से ही। उसके बाद भाई जो इसका सेकंड पॉजिटिव है ना, वो भाई इसके अंदर आपको ना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है विद RPM मीटर, तो आपको RPM मीटर मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर विद MID।
उसके बाद भाई एक्सटीरियर्स की बात करूँ तो आपको 14 इंच के स्टील रिम्स मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर भी। अब नेगेटिव्स की बात करूँ तो भाई सबसे बड़ा नेगेटिव तो यही है कि 3 सिलेंडर इंजन है, थोड़ा सा आपको रिफाइनमेंट इतनी अच्छी नहीं मिलेगी गाड़ी की एज़ कम्पेयर टू नियोस या फिर इग्निस की अगर बात करूँ तो। सेकंड भाई जो इसके ओवर वीएम्स है ना और जो आउटसाइड डोर हैंडल्स हैं वो आपको पेंटेड नहीं मिलेंगे, वो ब्लैक फिनिश में रहने वाले हैं, तो वहाँ से भी आपको ये फील होगा कि हाँ भाई आप किसी एंट्री लेवल सेगमेंट कार को परचेज कर रहे हो। थर्ड भाई इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना इसका, क्या बताऊँ भाई, सारी कंपनीज अपने बेस वेरिएंट में ना फ्रंट पावर विंडोज़ दे रही हैं सेगमेंट में, पर भाई टियागो में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। चारों आपके जो विंडोज़ है ना वो आपको मैन्युअली रोल डाउन रोल अप करने पड़ेंगे। सो भाई ये मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट टियागो में ना फ्रंट पावर विंडोज़ तो कंपनी को देने चाहिए थे। सो यार वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव रहने वाला है इस गाड़ी के अंदर। उसके बाद स्टीरियो वगैरह आपको इसमें भी नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई स्पीकर्स वगैरह मिलेंगे। बाकी गाड़ी का अंदर से इंटीरियर वगैरह काफ़ी बढ़िया है, आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाईवे पे गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, ब्रेकिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। सो ये तो ओवरऑल बात हो गई अपनी टियागो एक्सी वेरिएंट की जिसका बेस वेरिएंट है। अब यार बात कर लेते हैं मेरी फेवरेट भाई, जो सबसे बेस्ट कार है इस टाइम पे इस प्राइस रेंज में अंडर 6 लाख ऑन रोड भाई, वो होने वाली है मारुति की इग्निस। अब क्यों कह रहा हूँ कि भाई ये गाड़ी इतनी बढ़िया क्यों है, सबसे पहले आपको इसका एक्सशोरूम प्राइस बता देता हूँ। सबसे कम एक्सशोरूम प्राइस है 5,35,000 रुपीज़ का और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है ऑफिशियली। ऑफिशियल डिस्काउंट कैश डिस्काउंट 28,000 रुपीज़ प्लस 15,000 रुपीज़ एक्सचेंज बोनस प्लस 5,000 रुपीज़ कॉर्पोरेट डिस्काउंट। अब भाई ये तो मैंने आपको ऑफिशियल फिगर्स बताए हैं, अगर मैं आपको अनऑफिशियली फिगर्स बताऊँ ना, फिगर्स तो नहीं बता सकता, पर भाई कई लोग ना इसका जो डेल्टा वेरिएंट है सिग्मा के जो एक सेगमेंट एक लेवल ऊपर है डेल्टा वेरिएंट, वो बंदे ऑन रोड 6 लाख रुपीस का लेके आ चुके हैं। सो भाई देख लो बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है गाड़ी के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार के पॉजिटिव्स की। सो भाई ये गाड़ी ना सबसे बेस्ट रिफाइंड है, 1200 cc का आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। भाई परफॉर्मेंस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है, सेम वही स्विफ्ट वाला इंजन है, तो भाई आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि भाई थोड़ी छोटी गाड़ी भी है स्विफ्ट सही है तो सोचो परफॉर्मेंस आपको कितनी अच्छी मिलेगी गाड़ी के अंदर। पॉजिटिव्स भाई भरे पड़े हैं गाड़ी के अंदर, क्या क्या बताऊँ। बाहर से सबसे पहले शुरू करते हैं, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप किसी एंट्री लेवल सेगमेंट कार को परचेज कर रहे हो। ओवर वीएम्स और जो आपके डोर हैंडल्स हैं आउटसाइड वो आपको बॉडी कलर में मिलेंगे पेंटेड। उसके बाद भाई 15 इंचेस के रिम्स मिलेंगे आपको, 175/65 R15 टायर साइज रहने वाला है। ये सेम वही साइज है जो आपका टॉप वेरिएंट में आता है, तो भाई बिल्कुल भी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करेगी, बस आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको स्टील रिम मिलेगा। ग्राउंड क्लीयरेंस गाड़ी की सबसे बढ़िया है भाई 180 mm की, तो अगर आप ओवर खावड़ रास्ते पर गाड़ी को चलाओगे ना तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि गाड़ी कहीं से स्क्रैप हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। 3-star सेफ्टी रेटिंग है गाड़ी की, टियागो की 4-star सेफ्टी रेटिंग थी, नियोस की 2-star सेफ्टी रेटिंग है और जो अपनी इग्निस एनएस की 3-star सेफ्टी रेटिंग है, ज़्यादा कम नहीं है भाई, 3-star सेफ्टी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, ऐसी कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। सो भाई ये तो बात होगी एक्सटीरियर्स की, अब चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ। एक्सटीरियर में बस आपको जो इसकी रियर लुक है ना, काफ़ी लोगों को वो पसंद नहीं है, बस उनको ये लगता है कि यार रियर लुक अच्छी नहीं है। अगर आप उसमें स्पॉइलर ऐड करवा लोगे ना तो यार बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है गाड़ी के इसके रियर लुक के अलावा ना, और रियर लुक भी अपनी प्रेफरेंस है यार, मेरे को तो अच्छी लगती है, कई लोगों को अच्छी नहीं लगती। आप एक बार अगर आपको ज़्यादा बुरी लगती है ना इसकी रियर प्रोफाइल, तो एक बार ना आप टाइप करके देखो यूट्यूब पे इग्निस मॉडिफाइड, भाई इतनी अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशन आपको गाड़ी में मिलेंगी ना, फिर आपका मन करेगा कि हाँ भाई इग्निस लेके मेरे को ऐसी मॉडिफाई करनी है। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि लुक अच्छी है कि बेकार है, भाई लुक भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। अब इंटीरियर्स की तरफ चलते हैं। सो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर्स की। फ्रंट में आपको 2 power windows मिल जाएंगी, रियर में आपको वही मैनुअल रोल वाली विंडोज़ मिलेंगी, अप डाउन आपको मैनुअली रोल करना पड़ेगा सभी के अंदर, वही है। इंटीरियर डोर हैंडल्स भी आपको पेंटेड मिलेंगे, तो भाई बॉडी कलर के हिसाब से तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। सिर्फ एक नेगेटिव मेरे को इसमें लगा कि इसमें आपको टैकोमीटर नहीं मिलता, आपको सिर्फ आरपीएम मीटर मिलेगा इसके अंदर, बाकी सब पॉजिटिव्स ही है भाई। स्टीरियो इसमें भी आपको नहीं मिलेगा, ना कुछ स्पीकर्स मिलेंगे, वो तो आपको सेगमेंट में इसमें मिलेंगे ही नहीं। आपको जो स्टीयरिंग व्हील है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, टिल्ट फंक्शन है उसके अंदर, आप उसको अप डाउन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, जो आपके हेडरेस्ट है ना वो भी आपके एडजस्टेबल है, इनको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बाकी भाई इंटीरियर्स भी काफ़ी अच्छे हैं गाड़ी के, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको इंटीरियर्स काफ़ी बुरे लगेंगे, काफ़ी अच्छे इंटीरियर्स हैं गाड़ी के। मेरे को ओवरऑल भाई जो इसके इंटीरियर्स वगैरह और जो ओवरऑल जो गाड़ी है ना, ये मेरे को सबसे बेस्ट लग रही है फिलहाल इस टाइम पे। एक्चुअली भाई इस सेगमेंट में ना कोई भी आपको ऑफर नहीं करेगा इतना ज़्यादा डिस्काउंट और भाई इतने सारे फीचर्स इस प्राइस रेंज में। इग्निस सच में यार इस टाइम पे ना वैल्यू फॉर मनी बन चुकी है, जब तक कि इसका जो नेक्स्ट फेसलिफ्ट है वो नहीं आ जाता। नेक्स्ट फेसलिफ्ट आते ही, इंजन अपडेट आते ही भाई इस गाड़ी के प्राइस भी बहुत शूट हो जाएंगे, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली जो कार लॉन्च हुई है उनमें हमने देखा है कि उनके प्राइस काफ़ी अप हो चुके हैं। सो भाई ये गाड़ी भी अप्रॉक्स 60-70-80 हज़ार रुपये महंगी हो जाएगी, तो भाई अभी फिलहाल पे ना ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, डिस्काउंट भी सबसे ज़्यादा मिल रहा है आपको इस गाड़ी पे, रेडिली अवेलेबल है भाई, शोरूम पे जाके पता करो, ऑन स्पॉट आपको मिल जाएगी, वेटिंग का भी कोई झंझट वगैरह नहीं है, डिस्काउंट भी सबसे ज़्यादा बेस्ट मिल रहे हैं इस गाड़ी के ऊपर। सो भाई डेफिनेटली अगर कंक्लूजन की बात करूँ ना,
मेरी सबसे बेस्ट गाड़ी इस टाइम पे, मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इग्निस की तरफ एक बार जाओ। यूजुअली लोगों को ये लगता है कि अगर एंट्री लेवल सेगमेंट गाड़ी चाहिए ना तो वो बस आपको मारुति या हुंडई दे सकती है। एक्चुअली अरीना की बात कर रहा हूँ, एक बार नेक्सा पे भी जाके देखो, उनके पास भी जो एंट्री लेवल सेगमेंट गाड़ी जो उनकी इग्निस है ना, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है भाई। मतलब जिस प्राइस रेंज में आपको सेलेरियो क्विड वगैरह जो गाड़ियाँ मिल रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहा है भाई आपको। आपको प्रीमियम इंटीरियर्स मिलेंगे, नेक्सा की सर्विस मिलेगी प्रीमियम। जैसे अरीना पे थोड़ा भीड़ रहती है ना सर्विस के टाइम पे, तो आपको भीड़ भी कम मिलेगी, यहाँ पे सर्विस एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा, बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा। बहुत बढ़िया गाड़ी है यार, एक बार आप चेक जरूर करना मेरे कहने से, एक बार आप गाड़ी को चला के जरूर देखना। 1200cc का 4 सिलेंडर इंजन है भाई, काफ़ी रिफाइंड है गाड़ी। सो बस यही थी आज की वीडियो यार, मैंने सोचा आपके साथ 3 गाड़ियाँ शेयर कर देता हूँ, आपकी जो मर्जी आप तीनों ले सकते हो भाई, आखिरकार पैसे तो आपके ही हैं, आपको ही पैसा लगाना है। AMT वर्जन में भी आती है गाड़ी, तो अगर आप इसका AMT वर्जन भी लेना चाहते हो ना, सो भाई गाड़ी उसमें भी अवेलेबल है, पर उसके अंदर आपको डेल्टा वेरियंट लेना पड़ेगा। डेल्टा के अंदर से AMT इसका वर्जन स्टार्ट होता है, और भाई डेल्टा वेरियंट भी कई लोग इसका 6 लाख के अंदर लेके आए हैं। सो डिपेंड करता है भाई आप कैसा नेगोशिएट करते हो, अगर आप अच्छे, आपके नेगोशिएशन स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं ना, तो भाई आप 6 लाख ऑन रोड डेल्टा वेरियंट भी इसका घर लेके आ सकते हो। एक बार को मैं सोच रहा था कि वैगनर को भी इंक्लूड कर लेता हूँ अपनी इस लिस्ट में, क्योंकि उसका जो LXi वेरिएंट है ना, बेस वेरिएंट, वो भाई आ रहा था ऑन रोड 6 लाख के अंडर। बट एक्चुअली वैगनर के साथ प्रॉब्लम ये है कि भाई वो 1000cc का इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन। अगर उसको कंपेयर करें अपने इग्निस वगैरह से, तो भाई उसके अंदर आपको 1200cc का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो उससे ज़्यादा रिफाइंड है, उससे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। अगर भाई माइलेज के हिसाब से देखा जाए, जैसे CNG पे जो माइलेज है ना वैगनर की, वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उसके पेट्रोल पे माइलेज 24 किलोमीटर पर लीटर की है। सो उस कंडीशन में वैगनर कंसिडर कर सकते हो। पर अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए ना, एज अ प्रोडक्ट अगर कंपेयर किया जाए वैगनर को इग्निस से, तो भाई इग्निस ना एक फार सुपीरियर प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू वैगनर, और इसीलिए ना बस मैंने वैगनर को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया। सो बताना यार आप कौन सी गाड़ी परचेज करने वाले हो, वीडियो कैसी लगी बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं गाइस फिर ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक Guys, take care and see ya.